हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द सुधीर जांगिड में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त सुधीर, और आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो एक्चुअली अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। मैं आज करने वाला हूं एक ट्राईपोड की अनबॉक्सिंग, जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, उसी की अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा देखना इस वीडियो को। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाइए सबसे पहले वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और साथ में साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं ट्राईपोड की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है मेरा नया ट्राईपोड का बॉक्स जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं जल्दी से डब्बा खोल, इसका यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको देखते हैं क्या निकलता है, हमें क्या मिलता है इसके अंदर। खुल जा, सेम सेम। डब्बे को करते हैं साइड में, इसके अंदर इसकी एक पॉकेट आई है, और इसके साथ ही आप हैंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इसको एक इसकी रस्सी मिली है और इसमें क्लिप लगा है। जल्दी से करते हैं इस क्लिप को ओपन। ओहो देखिए दोस्तों, कितना शानदार सा इसका कलर नज़र आ रहा है, एकदम ब्लैक, क्रोमियम ब्लैक इसका कलर है। हमें मिलता है इसके साथ एक होल्डर, मोबाइल होल्डर। मैं आपको थोड़ा पास ला कर दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यह मोबाइल होल्डर काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का नज़र आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ग्रिप भी थोड़ी टाइट ही है, अच्छा है, मतलब मोबाइल गिरने वाला नहीं है दोस्तों इसके ऊपर से बिल्कुल भी। चलो भैया साइड में हट जाओ, अब आप पता लग गया हमें आप क्या काम करोगे। अब इसकी पॉलीथीन से करते हैं इसको जल्दी से आज़ाद, ये कैद था इसमें पता नहीं कब से। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और प्रीमियम क्वालिटी का मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे शाइनिंग अच्छी कर रहा है, पेंट अच्छा किया हुआ है। दूसरा एल्यूमिनियम का इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये यह जो इसको आप इसको हैंग भी कर सकते हो। अभी मैं इसको इसके फीचर बताता हूँ आपको। इसको ये हैंडल दिया हुआ है, एक साथ में पीछे ये बोल्ट है, जिसकी मदद से अगर आप इसको ढीला करते हैं तो आप इसको इस तरह से दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब पीछे के बोल्ट को अगर टाइट कर देंगे आप तो यहाँ से ये मूव होना बंद हो जाएगा। तो अभी इसको दोबारा से अगर मैं लूज़ करता हूँ तो फिर से ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे की तरफ दोस्तों जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपको एक बोल्ट नज़र आएगा, अगर आप इसको लूज़ करते हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। और इसमें साथ में ऊपर एक स्प्रिट लेवल दिया हुआ है दोस्तों, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर इसका बिल्कुल 0-0 लेवल में, मतलब इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए कि हमारा मोबाइल बिल्कुल सीधा रखा हुआ है या नहीं, वो आप इसकी मदद से देख सकते हैं। साथ में साइड में ये एक क्लिप है दोस्तों, इसको आप जब खोलते हैं तो ये आपको होल्डर का स्टैंड मिलता है इसमें, जिसे आप इसके साथ यहाँ पर बोल्ट्स के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसको टाइट करने पर आप इसको होल्डर को आप इस स्टैंड पर फिक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और टाइट फिट करने के बाद में हम इसको वापस से इसको इस क्लिप को ओपन करके इस स्टैंड को जो है दोबारा से हम हमारे इस ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। अब ये इसके साथ फिक्स हो गया है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल। और यहाँ पर साइड में एक ये लीवर दिया हुआ है दोस्तों, अब इस लीवर को ऊपर करके अगर ऐसे घुमाते हैं तो हम इसकी हाइट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही शानदार फीचर लगा इस ट्राईपोड का। यहाँ पर देखिए लगभग 1 फीट से ज़्यादा हम इसकी हाइट को ऊपर बढ़ा सकते हैं, मुझे सबसे बेस्ट फीचर यही लगा दोस्तों इसका। ये हैंडल के साथ हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बोल्ट को मैं दोबारा ढीला करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोनों तरफ से हम इसे मूव कर सकते हैं बहुत ही। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और लाइट वेट, मेरे को बिल्कुल एकदम लाइट वेट लगा दोस्तों ये बिल्कुल, मतलब इसका ज़रा सा आपका इसमें वेट नहीं है। आप इसको इस तरह भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं इसको, किसी भी एंगल में इंक्लाइंड भी रख सकते हैं। स्प्रिट लेवल की मदद से आप इसका एंगल सेट कर सकते हैं। ये मैं इसको 0-0 कर देता हूँ अभी, और इसके जो है बोल्ट को टाइट कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये भी मैं टाइट कर देता हूँ बोल्ट। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लेग्स के बारे में। ये हैंडल भी दिया हुआ है इसमें, ताकि आप इसको आराम से इसको कैरी करके कहीं भी आप इसको आसानी से ले जा सकें। अभी देखिए दोस्तों, डबल इसकी लेंथ कैसे हो सकती है वही मैं बताता हूँ आपको। इसमें नीचे ये पैड्स दिए हुए हैं जो किसी भी एंगल में किसी भी फ्लोर के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे। साथ में जब आप इस क्लिप को ओपन करेंगे तो यहाँ से लेग्स जो हैं बाहर निकलेंगे, जो कि इसकी हाइट को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने तीनों लेग्स इसके ओपन कर दिए हैं, तो ये हमारे हाइट इसकी एडजस्ट हो चुकी है। साथ ही साथ अब इसकी एक हाइट और है दोस्तों, नीचे के क्लिप को ओपन करेंगे तो इसमें से इस हर एक लेग की जो है हाइट और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। मैं अभी तीनों की हाइट को जो है एक्सटेंड कर देता हूँ, और आपको इसको पूरा हाइट में लेकर के बताता हूँ कितना ऊपर ये। ये देखिए दोस्तों, पूरा स्टैंड जो है अभी हमारा खुल चुका है, और ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे स्टैंड को खोल दिया है।
अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक मोबाइल फिक्स करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम एक मोबाइल को इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये मेरा एक स्मार्टफोन है जो कि मैं इसके ऊपर हैंग कर देता हूँ यहाँ पर। और अभी देखिए दोस्तों, अभी इसकी हाइट को हम यहाँ इस हैंडल के साथ थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आपकी जो हाइट है या आप जिस भी हाइट पर वीडियो आपका शूट करना चाहते हैं उस हाइट पर आप अपने इस स्टैंड को अप एंड डाउन करके अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से। ये इसका ऊपर का स्ट्रक्चर है और ये इसका नीचे का। तो ये दोस्त देखिए दोस्तों, अब मैं इसकी हाइट को दोबारा से इसको नीचे ले लेता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा ट्राईपोड जिसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम मुझे नज़र आई। अभी हम इसको दोबारा से हटा देते हैं और इसको मैं दोबारा से अनफोल्ड कर देता हूँ पूरे को। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी दोस्तों इस ट्राईपोड की। और ये अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ख़रीदते हैं तो लगभग 1300 से 1700 के बीच इसका प्राइस है दोस्तों। लेकिन ये मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इतना अच्छा ट्राईपोड मुझे गिफ्ट किया। और दोस्तों मैंने इसको कर दिया है अब पूरा फोल्ड वापस से इसकी लेग्स को अंदर। और ये देखिए दोस्तों, इसमें पीछे एक हैंग करने के लिए यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी आ चुका है हमारे पास नया ट्राईपोड, थैंक्स टू माय ब्रदर इन लॉ जिन्होंने इतना डिसेंट सा ट्राईपोड मुझे गिफ्ट किया है। और आगे आने वाले जो है जो भी वीडियो है मैं सारे इसी से रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा नया ट्राइपॉड और आगे से मेरी हर एक वीडियो में शूट करूंगा इसी के साथ। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।